शनिवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी कुल्लू ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को पुलिस भर्ती व यूजी प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा पेपर लीक मामले की स्वतंत्र जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में पीठासीन जज से करवाई जाए और प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग व चयन बोर्ड के तहत करवाया जाए। जिला कुल्लू ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को जो पिछले कुछ समय से पेपर लीक की गतिविधियां घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर दिया। आप सब देख सकते हैं कि जो पेपर पहले जॉब के लिए देते थे लोग वो पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूजी के अंदर जो है कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी जो पेपर लीक हो रहे हैं आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से। हालांकि कोरोना के अंदर जो है पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है सरकार जो इसमें बहुत पीछे रही है कि सही तरीके से कॉलेजों के अंदर पेपर नहीं करवा पाए और जो जॉब के जो पेपर हैं उनके पेपर जो है दिन ब दिन जो हर तरह के पेपर जो है, चाहे जेओए के पेपर हो, चाहे पुलिस के पेपर हो और जितने भी पेपर जो होते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से जो है हमेशा लीक होते जा रहे हैं। DFI पूरे प्रदेश के अंदर जो है जगह जगह पे हर इकाई के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, मेमोरेंडम दे रही है, जो भी गतिविधियाँ जो है एक्टिविटी DFI के थ्रू हो सकती है वो कर रही है और प्रदेश की जनता को DFI पूरे प्रदेश में जो है जागरूक कर रही है कि सरकार के ऊपर जो है सवाल खड़ा करें कि किस क्यों जो है ये कॉलेजों के अंदर स्कूल के अंदर जो है प्रोफेसर या फिर कोई भी स्टाफ जो है पेपर लीक करवा रहे हैं और जबकि जो है पुलिस की जो मौजूदगी वहाँ पे होती है फिर भी जो पुलिस के पेपर जो है लीक हो रहे हैं तो किस प्रकार से हम लोग जो है इस प्रदेश के अंदर जो पेपर करवा सकते हैं या एक युवा जो है नौकरी ले सकता है। युवा हर साल जो है नौकरी की कोशिश करता है, इस साल भी जो है पिछले दो दिन पहले जो है HPSSC के अंदर जो है नोटिफिकेशन आई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब भी जो है जो पेपर होते हैं उनको वो पेपर लीक ना हो और जो कई पेपर ऐसे आते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर सील नहीं लगी होती है वो सील भी जो है लगाई जाए और हम गुहार करते हैं स्टेट के जो प्रशासन है कि आने वाले समय के अंदर अगर जो है अभी भी अगर ऐसा रवैया रहा कि ऐसे पेपर लीक होते रहे या फिर पेपरों में धांधलियाँ होती रही तो DFI जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। अभी जो है कुछ लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं लेकिन आने वाले समय के अंदर इकाई स्तर पर गांव-गांव के स्तर पर जो है DFI आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करेगी। आप देखते हैं कि कुछ समय पहले जो है UG के जो पेपर कंडक्ट कराए गए थे उसके अंदर जो है पहले पेपर होते हैं उसके बाद जो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि UG के अंदर जो है सेमेस्टर के जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो गए हैं, जबकि जो है कुछ छात्र जो पेपर दे के आ गए थे और कुछ छात्र जो अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो दो तीन दिन बाद चार पाँच दिन बाद ये न्यूज़ आती है कि जो पेपर लीक हो गए हैं। ये जो फर्स्ट और जो थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर लगे हुए हैं उसके अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, आने वाले समय के अंदर जो दूसरे पेपर हुए अभी जो BEd के एंट्रेंस भी हुआ है, हम जो है मांग करते हैं कि क्या पता जो है कल जो है BEd के जो एंट्रेंस पेपर हुए क्या पता उसके अंदर भी जो कुछ ना कुछ हुआ हो। DFI मांग करती है कि इसके भी जो है सख्त जो आने वाले समय के अंदर और जो पहले जो पेपर हुए हैं जो पेपर लीक होने की खबरें सामने आई है वो भी और जो दूसरे पेपर हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो सख्त कार्रवाई की जाए। और हम आप देखते हैं कि बच्चे जो है साल भर जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अंत में उनको यही देखने को मिलता है कि जो पेपर लीक हो गए और बाद में पेपर कैंसिल हो जाते हैं या फिर किसी कारण से जो वो पेपर जो है रद्द हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है दूर दूर से अपना पेपर देने आते हैं, उनको जो है फाइनेंशियली दिक्कत होती है, आने में दिक्कत होती है, कई बार जो कोई रूम लेना पड़ता है, कई लोग दूर से आते हैं, मौसम की खराबी होती है उसके अंदर जो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। DFI मांग करती है कि जो ये जो इसके अंदर जो कड़ा रवैया सरकार अपनाए ताकि जो है आने वाले समय में जब भी जो पेपर हो वो प्रॉपर तरीके से पेपर हो। जैसा अभी साथी आशीष ने बताया अभी कि आज DYFI ने जो है राज्यपाल महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। बहुत ही चिंता का विषय है और ये गंभीर सवाल भी जो है पैदा करते हैं कि क्यों बार बार जो है आप जो है एक तरफ UG कक्षाओं की इन्होंने बात की जो है एक तो पूरी तरह से आप ऐसे कहते हैं कि आपके ऊपर बर्डन बहुत है, प्रशासनिक कार्य बहुत है, पिछले 3 सालों से जो है कोई भी जो है वहाँ पर काम इस तरह का नहीं हुआ है, कक्षाएँ सुचारू रूप से नहीं लगी है, उसके बाद आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके अंदर भी 22
22 महाविद्यालयों के अंदर खबर आई है कि कहीं पर जो है कम प्रश्न पत्र पहुंच रहे हैं, कहीं पर जो प्रश्न पत्र जो उसकी सील पहले से टूटी हुई मिल रही है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश सरकार जो है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो आम छात्रों के जो आप कह सकते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जितने भी चयन प्रक्रिया के अंदर क्वेश्चन जो है आप बार बार लीक कर रहे हैं, या इसके अंदर जो लोग संलिप्त है उनके ऊपर आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? पुलिस भर्ती के अंदर जो है कार्रवाई की जाती है किसके ऊपर? कि जिन लोगों ने जो है प्रश्न पत्र जो है खरीदे, परंतु वो लोग उन लोगों का नाम अब तक उजागर नहीं किया कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर बेचे किसने, वो कहाँ से जो लीक हुए, या कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर भी क्या ये धांधलियाँ जो है इस चयन प्रक्रिया के अंदर चल रही है जिसको छुपाने के लिए जो है अभी झूठ कार्रवाई जो है की जा रही है। DYFI ये मांग करती है कि जो है इनके ऊपर जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है उचित कार्रवाई, जो सही मामले में दोषी व्यक्ति है उनको जो है वो सामने लाया जाए, जबकि जिन लोगों को ये प्रश्न पत्र लिखे उनके ऊपर तो कार्रवाई की ही जाए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कानून का जो है उल्लंघन किया, परंतु सही मामले में जो दोषी है जिन्होंने इसके अंदर पैसे जिनको जो है मिले हैं उन लोगों का नाम भी जल्दी से जल्दी उजागर किया जाए। DYFI आपको ये भी बताना चाहेगी कि इन्हीं मांगों को लेकर जो है हम एक दिन की सांकेतिक बोर्ड का हड़ताल जो है आज जो है जिला कुल्लू के अंदर भी शुरू करने वाले हैं, जिसको जो है वो 24 घंटे की जो भूख हड़ताल है हम शुरू करने वाले हैं जो आज ही के अंदर। इसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर अगर इन मांगों के ऊपर जो है शीघ्र अतिशीघ्र विचार नहीं किया गया तो एक उग्र आंदोलन DYFI पूरे स्टेट के अंदर करेगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।